हेलो दोस्तों, मैं सीखा आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम कच्ची हल्दी का हलवा बनाएंगे। ये 100 ग्राम कच्ची हल्दी है, इसे छील कर अच्छे से साफ कर लिए। 50 ग्राम यहाँ पर हम अदरक लेंगे कच्चा और 200 ग्राम गुड़। अदरक और हल्दी का पेस्ट तैयार कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे 1/4 कप हम पोस्तूदाना लेंगे, 1/4 कप काजू के टुकड़े लेंगे, आधा कप सूखा हुआ नारियल लेंगे। सूखे नारियल के जगह पर आप नारियल का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप हम यहाँ पे अखरोट ले लेंगे और आधा कप ही बड़ा बादाम लेंगे। इन सभी का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पहले सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 कप सूजी डालेंगे और सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे। ये सूजी हमारा देखिए दोस्तों अच्छे से भून चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम 1/4 कप पोस्तूदाना डालेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट हम लगातार चलाते हुए धीमी आग में भून लेंगे। ये बहुत जल्दी भून कर तैयार हो जाता है दोस्तों। तो इसे हम लगातार चलाते हुए पहले भून लेते हैं, इसके बाद हमें आगे क्या करना है मैं आपको बतलाऊंगी। ये हो चुका है, इसे प्लेट में हम निकाल लेते हैं। वापस हम इसी कढ़ाई में घी डालेंगे। घी यहाँ पर मैं आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर ज़रूरत मुझे और पड़ेगा तो इसमें बाद में भी घी हम डाल सकते हैं। तो घी को अच्छे से पहले गर्म होने देते हैं और इसमें अदरक और हल्दी का पेस्ट तैयार किया हुआ डालेंगे। अदरक हल्दी का हमें पेस्ट तैयार करना है दोस्तों। तो देखिए इस तरह का बारीक पेस्ट हमें चाहिए। घी गर्म होते ही इस पेस्ट को हमें इसमें डाल देना है और इसे धीमी आग में यहाँ पे हमें लगातार चलाते हुए हल्दी और अदरक के पेस्ट को भूनना है। भूनते भूनते देखिएगा दोस्तों इसका कलर हल्का चेंज हो जाएगा। हल्दी को अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हलवे में कच्ची हल्दी का स्वाद आएगा। ये देखिए ये अच्छे से भून चुका है, इसका रंग भी थोड़ा बदल गया है। तो अब इस समय हम यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स जो पेस्ट तैयार किए थे उसे डाल देना है। ड्राई फ्रूट का भी हमें पेस्ट तैयार करना है। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे छुहाड़ा है, किशमिश है, बादाम है, नारियल तो हम डाले ही हैं। ये सभी को पेस्ट बनाकर इसमें डालेंगे और इसे भी हम लगातार चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी धीमी आग में घी में अच्छे से भूनना है। साथ में ये भी भून जाएगा। तो ये कच्चे हल्दी का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों। ये महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे आप एक बार ज़रूर बनाइए। कमर दर्द या सर्दी खांसी कैसा भी बीमारी हो सभी खत्म हो जाता है ये खाने से। अब यहाँ पे मैं पोस्तूदाना का पेस्ट डाल रही हूँ। पोस्तूदाना को हम अलग से पीसे थे इसलिए उसे बाद में डाल रहे हैं। और इन सभी को अच्छे से मिलाते हुए हमें इसे भी अच्छे से भूनना है। बहुत ही बढ़िया खुशबू इससे आ रही है। आप इसे इस हलवे को एक बार ज़रूर बनाइए। देखिए ये अच्छे से भून चुका है। जब ये पेस्ट अच्छे से भून जाए तो इसमें हम भुना हुआ सूजी डाल देंगे और सूजी को भी अच्छे से पहले इसमें मिक्स कर लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए पहले हम सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से सूजी मिक्स हो गया है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमें गुड़ डालना है। तो ये 200 ग्राम गुड़ है, मीठा आप अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं और इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से बना ये हलवा बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता है और फायदेमंद होता है। तो गुड़ को हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। ये देखिए गुड़ अच्छे से इसमें पिघल कर मिक्स हो चुका है। जब ये गुड़ अच्छे से पिघल जाए इसमें तो यहाँ पे हम पानी डाल देंगे। तो ज़रूरत के अनुसार ही हम यहाँ पानी डालेंगे। पहले हम 1 गिलास पानी डाल रहे हैं और इसे धीमी आग में अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। इसे चलाते नहीं छोड़ चलाना नहीं छोड़ना है दोस्तों, इसे लगातार चलाना है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हलवा का। और ये हलवा जो है ये महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये डिलीवरी के बाद भी बनाकर दिया जाता है महिलाओं को, जिससे ये महिलाएं को बहुत ही ताकत प्रदान करती है।
आइए देखिए हलवा हमारा तैयार है दोस्तों, तो आप भी इसे बनाइए। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं।